आम रस देखिए, देखिए हमारा आम रस साथ में है, पूरी चावल बटाटे की भाजी और दाल देखिए हमारी, देखिए इतनी टेस्टी लग रही है, देखिए आम रस हमारा। जब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और बाद में इसको पकने रख देंगे ना कि भाई, हाँ तो ढक्कन रख, तो देखिए आप टेस्ट करें कि भाई बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब बाहर से आवाज आती होगी आपको कि मशीन चालू, मतलब बिल्डिंग काम चालू है ना, तो बाहर सलिया वगैरह काट रहे हैं, तो उसकी मशीन की आवाज़ आती होगी आपको। तो इसके लिए मैं जोर से बोल रहा हूँ आज, तो देखिए आवाज़ आ रही है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, और ये चैनल पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। तो अभी सुबह तो हो गई है वैसे, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। चलिए खा के ले लेते हैं और आज नाश्ते में, और फिर इसके बाद आज पोहे बनाए के बने के बगैर आपके पोहे हैं नाश्ते में, तो पोहे खा के लेते हैं। चलिए फिर मैं वो खाने के नाश्ते के बाद मेरे को एडिटिंग भी करना है, ओके वीडियो को। तो चलिए गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अंडा खा के लेंगे। चलिए सुबह हो गया, अभी नहा धो लिया, अभी मैंने फ्रेश हो गया, अभी अंडा खा के लेंगे। चलिए नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं ना कि भाई, हाँ अभी नाश्ता कर रहे हैं, पोहे बनाए के बने, देखिए चलिए अभी नाश्ता करके ले लेते हैं पोहे। बहुत टेस्टी बने, मैं पोहे खा रहे अभी। चलिए अभी नाश्ता करके ले लेते, हो गया ना कि भाई, हो गया नाश्ता, पोहे अच्छे बने थे, खा लिए पोहे भी, सब अंडा खा के हो गया अभी। तो नाश्ता हो गया है, अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, और हमको फिर शॉर्ट वीडियो भी शूट करना है अभी, क्योंकि अभी डेली हो गया है हमारा शॉर्ट वीडियो शूट करना है ना, हमने एक दो शॉर्ट वीडियो तो इस चैनल पे आता ही रहता है। अभी हमने जब से मैगी चैनल किया है, तो जब से हमने शॉर्ट वीडियो चालू कर दिया है, मैगी का 28 दिन हो करने वाले शॉर्ट वीडियो, तो वो शूट सुबह में ही रखते हैं अभी। अभी वैसे तो हमको स्कूल चालू हो जाएगी, तो मेरे को शाम में वो शूट या सुबह करना पड़ेगा, तो अभी स्कूल चालू होगा तो केब भाई ये पूरा हैंडल करेगा ना केब भाई, क्योंकि मैं तो दिन भर रहूँगा नहीं, मेरे 12 बजे स्कूल रहती है, मैं डायरेक्ट 5 बजे आऊँगा स्कूल से, तो केब भाई इतना हैंडल करेगा वीडियो को, एडिटिंग वगैरह केब भाई का आता है, केब भाई कौन से वीडियो को एडिटिंग कर लिया है, फंबली बनाते हैं केब भाई, क्योंकि मैं जब तक दूसरा शॉर्ट वगैरह काम कर लेता हूँ इसके लिए। तो अभी चलिए अभी आपके खाने में आज बता दो आपको क्या है, तो एडिटिंग करके ले लेते पहला, ओके चलिए। के भाई आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आमरस पूरी, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आमरस पूरी है ना कि भाई, हाँ, और साथ में बटाटे की भाजी और दाल चावल और पूरी, आमरस पूरी आज का हम लोग खाने में बनाने वाले हैं ना कि भाई, हाँ। ये आम का सीजन चालू हो गया, आपको वीडियो नहीं दिखाया था आमरस पूरी का ना, नहीं मैं बनाए थे पर वीडियो नहीं बनाया था जो मैं, तो मैं आज आपको वीडियो में दिखा दूँ आमरस पूरी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए, जिसका नाम है आमरस पूरी, सबकी फेवरेट है क्या भाई, आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी लगती भी है आमरस पूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी के, जिसे आमरस पूरी भी कहते हैं या रस पूरी भी कह सकते हैं ना, हाँ पूरी भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए दाल बना रहे क्या भाई ना, क्या भाई चावल रख दिया, चावल इधर रख दिया है पकाने, दाल इधर बना रहा है, तो अभी सिर्फ भाजी बने बाकी है, बटाटे की है ना, हाँ। और आम और पूरी, आमरस और पूरी बस, इतना तीन ही चीज़ बाकी है अभी। ये दाल तो ऑलरेडी हो गई है ऑलमोस्ट, टमाटर है इसमें, लहसुन है, कोथमीर है, ये सब है मसाले, अभी डाल रहे हैं हल्दी पाउडर है, अब इसमें डाल रहे हैं दाल धो के, अब इसमें डाल देंगे दाल हम लोग, अब इस दाल डाल देंगे इसमें, अभी क्या करना है कि अब इसमें अभी सीटी मार लेंगे, अभी सीटी मार देना है इसमें, पानी डालना है ना, हाँ पानी डाल के सीटी मार देना है गाइस, अभी इसमें डाल देंगे हम लोग पानी, और इसको सीटी मारने के लिए रख देंगे, कितनी सीटी मारना है कि अब इसमें
तीन मार देंगे तीन सीटी ढक्कन रख के और फिर हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। चलिए गाइस अभी दाल हमने पकने के लिए रख दिए है, हमारा चावल पक गया है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पूरी की तरफ। तो पूरी का आटा गूंथ के ले लेंगे हम लोग। तो इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक पहला आटे में। अभी आटे को अच्छे से गूंथ लेना है, पहले नमक मिक्स कर देंगे अभी हम लोग। और अब इसमें पानी डाल देंगे हल्का हल्का ऊपर से। अब इसमें पानी डाल देंगे हल्का हल्का और इसको भून भून देना। अभी एक डो बना लेना आटे का, जितना आप आटा बना देंगे अभी इसका, जितना आप पानी डालना है उतना डाल सकते, मतलब आप आटे के हिसाब से। ओके अभी आटा कैसा है आपके ऊपर है ना, भून लेना है देखिए अच्छे तरीके से। पानी लगा लगा के भून देना है। आटा तो गूंथ के हो गए। अभी आटे को जो हमने साइड में रख दिए है, थोड़ी देर रखेंगे जब तक हमारे बढ़ते हैं आम के तरफ। तो ये देखिए आम अच्छे से धो के ले रहे हैं केब भाई। अभी केब भाई आम धो के ले रहे हैं अभी अच्छे से। ये अच्छे से वॉश कर देंगे आम को, अच्छे से धोना चाहिए आम को पहला। और इसमें देखिए बड़े बड़े आम, अच्छे अच्छे आम है। बाम इसका रस निकाल के लेना, अभी धो के ले लेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने एक बर्तन ले लिया है, ये हम लोगों ने आम ले लिए है। ये आम को हम लोग अच्छे से नरम करके ले लेंगे, दबा दबा के प्रेस करना है, मतलब ऐसा ये प्रेस कर देना हाथों से। और इसका ये जो ब्लैक वाला निकाल, तो देखिए ये देखिए ये हमारा रस निकल रहा है आम में से। ये निकल गया पूरा रस, इसमें से जो भी अभी लगा है ना, ये इसमें भी हम लोग अच्छे से निकाल के ले लेंगे इसको हाथों से। कि एक आम जो है हमारा, एक आम का आमरस जो है अच्छे से निकल गया है। देखिए आमरस का आमरस निकल गया है अच्छे से। ये अभी सारे निकाल के ले लेंगे ऐसे ही। चलिए अभी इसको अच्छे से जो लम्स थी ना आम की, वो उसको अच्छे से चम्मच से सब मैश करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अभी शक्कर मिक्सर में और इलायची दोनों को पीस लिए बारीक। फिर अभी पाउडर बना लिया, अभी इसमें आम रस में डालेंगे। चलिए डाल देंगे उसमें। अभी आम के ऊपर आम मीठा है कैसा है, अभी हम लोग का आम मीठा है तो आप आपके हिसाब से जैसा आम मीठा है वो तीखा है उसके ऊपर आप शक्कर डालना आपके हिसाब से। इलायची पाउडर शक्कर को दोनों को पीस लिया हमने मिक्सर में, बारीक पाउडर बना लिए। अब उसको अच्छे से हिला लेंगे। इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा है ना, तो अभी आपके हिसाब से दूध डालना। अच्छे से हिला लेंगे उसको अभी हम लोग दूध डाल के। अभी अच्छे से इसको हिला लेंगे आपको, उनका छिपका लगे अच्छे से हिला लेंगे। फिर हमारा आमरस रेडी हो चुका है, हो गया हमारा आमरस रेडी। अभी हम लोग उसमें फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर आमरस रेडी हो गया, अभी आम को फ्रिज में रख देंगे। चलिए हो गया। देखिए हमने तेल डाल दिए है और तेल में कड़ी पत्ता डाल दिए है, जीरा मोरी और जीरा मोरी। ये क्या बनाने के पास हम लोग, बटाड़े की भाजी। तो मैं अभी आया नीचे से, मैं नीचे गया था ना अभी। हाँ तो आमरस दिखाया कि बने, आमरस बन गया कि भाई रेडी हो गया, रेडी फ्रिज में रख दिए। ओके फ्रिज में हो गया रख के। अभी कांदे को जो अच्छे तरीके से भून लेना है कि भाई दाल रेडी है। रेडी है
तो दाल रेडी है। केबा ने आज केबा की तरीके से दाल बनाया है। हाँ। तो दाल को पकाने का रहता है ना, केबा फोड़नी देने का रहता है, फिर इसको तड़का या फोड़नी देने का रहता है। मैंने डायरेक्ट पका लिया, पर इसमें इसने डायरेक्ट पका लिया है आज। केबा ऐसा करता है कभी कभी, फोड़नी देता है ऐसा पका के। आज केबा वाला कुछ ज़्यादा करेंगे, आज केबा की तरह की दाल बनी ना। हाँ, तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। कांदे को भून लेना अच्छे से, इसमें कटी हुई मिर्ची डाल देंगे। कितनी मिर्ची दी है केबा आपने? पांच। पांच मिर्ची करीब डाल देंगे, आपको जितना तीखा बनाना है उतना। स्पाइसी मंगा है इसका आपको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई कोथमीर। आटे को ढक के रखे, मैंने आटा भी रेडी हमारा। और इसमें डाल देंगे कटी हुई कोथमीर। मम्मी जो है इधर बटाटा छुल रहे हैं। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ये हल्दी पाउडर। हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। डाल देंगे कटे हुए धो के आलू, डाल देंगे अच्छे। आलू को धो लिया है, अब इसमें डाल देंगे आलू हमारे कटे हुए। बाहर मस्ती माहौल, जब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और वहाँ में इसको पकने रख देंगे ना कि भाई। हाँ, और ढक्कन रख के पानी डालना है इसमें। पकने नहीं, पानी नहीं डालना है इसमें पकने के लिए। इसमें ऐसे ही ढक्कन रख के स्लो गैस पे इसको पका देंगे। चलिए अब चलते हैं हमारी पूरी की तरफ। पूरी बनाने के लिए ले ली गई है, देखिए पूरी। देखिए सूखे आटे में डिप कर लेना है, उसको बेल देना है। इतने बड़े उन्होंने जैसे चपाई टाइप बेल ली है। अभी क्या करना है, कोई भी नोकली चीज़ ले लेना है। और इसको जो है अभी कोई भी नोकली चीज़ ले लेना है, जैसे कि कटोरी हो गई, ढक्कन हो गया, कोई भी ऐसे नोकली चीज़ लेके इसके ऊपर रख के देखिए। इस तरीके से पूरी काट लेनी है हमको। एक साथ बड़ा बेल लेना है चपाई टाइप, इस तरीके से पूरी काट के रख देनी है। ऐसे जैसे सारी पूरी जो है ना फ्राई कर देंगे। मम्मी बना रहे अभी पूरी पूरी। अभी इसमें डाल देंगे हम लोग पूरी। तेल उन्होंने गरम करने के लिए रख दिया है। और तेल में डाल देंगे अभी पूरी। पूरी को फ्राई करके ले लेंगे। गर्मा गर्म पूरी जो है फ्राई हो रही है, एकदम फुली फुली पूरी बनी है। और ये कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे अब इसमें पूरी से तरह से। सारी पूरी जो है हम लोग फ्राई करके ले लेंगे। हमारी आम रस पूरी, देखिए साथ में पूरी पूरी, देखिए एकदम फुली फुली पूरी है। देखिए हमारी, देखिए पूरी, देखिए सिर्फ साथ में पूरी। देखिए हमारा आम रस, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए आम रस, देखिए आम रस साथ में चावल, साथ में बटाटे की भाजी और है दाल के भाई बनाए। देखिए तो देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यमी दिख रही है हमारी प्लेट, आमरस पूरी की प्लेट। देखिए
अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं हम लोग। टेस्ट कर रहे हैं अभी, तो देखिए आप टेस्ट करें कि भाई बहुत अच्छा बना है, टेस्टी अच्छा है, टेस्टी बना है ना, बहुत बहुत ही टेस्टी बना है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको, अभी टेस्ट करता हूँ मैं भी, टेस्ट कर लेता हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। अभी ये भी टेस्ट करता हूँ आम रस साथ में, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है और आम रस भी बहुत अच्छा है, मीठा एकदम बराबर। इलायची की जो टेस्ट आ रही है, जो कि भाई इलायची रहा है ना, उसकी टेस्ट भी आ रही है, तो बहुत ही टेस्टी है। देखिए अभी आलू आलू टेस्ट करते, देखिए आलू, देखिए आलू भी एकदम जबरदस्त बने, केबा ही बनाए आलू, बहुत टेस्टी बने आलू। तभी हम लोग खाते रहे थे खाना, अब हमें आपसे मिलते हैं। चलिए अभी हो गया है हमारा आमरस पूरी खा कर, तो केबाई लगे, केबाई दे रहा हूँ, कैसे लेके आमरस पूरी, केबा जाए थक गया आज, केबाई ने सब चीज़ बनाया ना, तो कैसे लेके भाई आमरस पूरी अच्छी लगी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही यमी थी। केबाई आज पूरी भाजी आमरस सभी केबाई ने बनाया है, सिर्फ मैंने पूरी बेल के दिए, फ्राई केबाई ने किया, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी थी। तो आप भाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। और चैनल पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना कि वैसे भी मैं आपके लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे ऐसे प्लेट की रेसिपी बहुत सारे प्लेट बनाए मैंने, ये चैनल पर नहीं बनाया, मैं दूसरे चैनल पर बनाए, और ये चैनल पर बना दूँगा आपके लिए, बस लाइक ज़रूर करिएगा। और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, कल के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।